नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस की टिकटों की घोषणा से पहले ही सिरसा उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। ये जानने का विषय है कि आखिर वो उम्मीदवार है कौन। आपको बता दें कि 28 मार्च को नई अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव हैं और हरियाणा के प्रभारी हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की घोषणा की है। और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहते हुए मोहर लगाई कि डॉक्टर अशोक तंवर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे करके भारी बहुमतों से जिताएं। सिरसा से कुमारी शैलजा या अशोक तंवर, जाने इस वीडियो में कि कौन बनेगा उम्मीदवार। यही मकसद इसलिए लेकर आया सी, तो मैंने पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ एक होके, सारे धर्म एक होके, भाईचारा बना के ज्यादा से ज्यादा वोटों दो, इतोफान से कामयाब करेंगे। सारा उम्मीदवार अशोक तंवर ज्यादा से ज्यादा वोट में जाए भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन का दलित सब भाइयों से यही कहूंगा, इस झांसे में मत आइए। पार्लियामेंट में हमारे पीसीसी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी को भारी मोहम्मद से जिता दीजिए। भारी मोहम्मद से ये सत्य है।